नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली की तिहाड़ जेल में शराब घोटाला मामले के आरोप में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ी मांग कोर्ट के सामने रख दी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने मेडिकल चेकअप के दौरान पत्नी सुनीता केजरीवाल के शामिल होने की मांग की है। इसके लिए केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। अर्जी में यह कहा गया है कि कोर्ट जेल अधिकारी को निर्देश दे कि सुनीता केजरीवाल को वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केजरीवाल के मेडिकल चेकअप में शामिल होने की अनुमति दी जाए। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा है, जिस पर ईडी ने यह कहा है कि उसे केजरीवाल की अर्जी पर जवाब देने के लिए समय चाहिए। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केजरीवाल के मेडिकल चेकअप में शामिल होने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर यह कहा है कि वो कल सुनवाई करेंगे। जानकारी आपको ये दे दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर 19 जून को सुनवाई होनी है। हालांकि ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध किया था और दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट जेल में हो सकता है, ऐसे में उन्हें जमानत की जरूरत नहीं है। ईडी ने सुनवाई के दौरान अपने जवाब में एक अन्य आरोपी विनोद चौहान के साथ अरविंद केजरीवाल की चैट को भी शामिल किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि विनोद चौहान केजरीवाल के हाईकोर्ट के जज से मुलाकात की व्यवस्था कर रहा था। ईडी ने कहा था कि यह विनोद चौहान दिल्ली के गोवा 25 करोड़ रुपए के ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार है, जो अभिषेक बोनपल्ली यानी कि साउथ ग्रुप के प्रतिनिधि से मिले थे। विनोद ने नगद ट्रांसफर भी खुद किया था। ईडी ने कहा कि विनोद चौहान केजरीवाल के जरिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को मैनेज कर रहे थे। बता दें ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट जेल में हो सकता है, ऐसे में जमानत की जरूरत नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। ईडी ने मामले में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है। वहीं आपने इन आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि ये सब झूठ है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब राजनीतिक बदले की भावना के तहत किया जा रहा है, लेकिन लोग हमारे साथ है। आपको बता दें दरअसल इन दोनों लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर से ब्लेम गेम की राजनीति चल रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है, दिल्ली के एलजी पर आरोप मढ़ रही है, और देखने को मिल रहा है कि हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकार को भी नहीं छोड़ रही है। दरअसल इन दिनों गर्मी की वजह से पानी की समस्या दिल्ली में है और इसको लेकर के आतिशी जो है वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए तिहाड़ जेल पहुंची थी, और इस दौरान उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को खुद से ज्यादा चिंता दिल्ली की जनता की है, तभी तो उन्होंने मुझे बुलाया और पानी को लेकर के विस्तार से बातचीत की है। एक बार आप भी सुनिए कि दिल्ली में तिहाड़ जेल में मुलाकात के बाद आतिशी ने आखिर क्या कहा है। देखिए, आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो एक केंद्र सरकार द्वारा एक झूठे केस में फंसाए गए हैं और उसकी वजह से तिहाड़ जेल में हैं, उनसे मिलने आई थी। जैसा आप सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने से ज्यादा चिंता दिल्ली वालों की है, और जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी MLAs को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी MLAs ग्राउंड पर जाएं, पब्लिक के बीच में रहें, और जहां जहां पे भी वो जिस प्रकार से पानी पहुंचवाने में मदद कर सकते हैं, सारे MLAs को ग्राउंड पर रहना है और लोगों की जो पानी की परेशानी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। किसी और मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री चिंतित थे? उनकी चिंता दिल्ली के लोगों की है, दिल्ली के लोगों के कामों की है,
और इसीलिए उन्होंने बुलाया मुझे और सारी खासकर पानी और बिजली के बारे में पूछा। दो दिन पहले जो यूपी में आग लगने की वजह से बिजली गई थी दिल्ली के कई हिस्सों में, उसके बारे में भी पूछा। उसके बारे में भी कहा है कि तुरंत सब अधिकारियों के साथ बैठकर ये फिर से समस्या ना हो सके, इसका समाधान हमें ढूंढना है। अरविंद केजरीवाल जी चाहे जेल के अंदर हों चाहे जेल के बाहर हों, वो दिल्ली के लोगों के बारे में ही सोच रहे हैं। दिल्ली के लोगों की समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, दिल्ली के लोगों के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, सिर्फ इसके बारे में सोच। आपको बता दें, जहां आतिशी ये दावा कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को खुद से ज्यादा दिल्ली की जनता की चिंता है, तो ऐसे में कई सारे बीजेपी नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि जब अभी गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की समस्या हो रही है, टैंकर माफिया खुले तौर पर घूम रहे हैं, तब जाकर के आम आदमी पार्टी को ये चिंता सताती है कि दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। जब उन्हें ये प्रॉब्लम पहले से ही पता है कि दिल्ली में इस तरीके की समस्या होती है, तो उन्होंने इसका अरेंजमेंट आज से 2-3 महीने पहले क्यों नहीं किया और क्यों बार बार हरियाणा सरकार पर और यूपी सरकार पर ये आरोप मढ़ दिया जाता है। खैर, दूसरी ओर जहां आतिशी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता की ज्यादा चिंता है, तो वहीं एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जो है मेडिकल चेकअप के नाम पर एक अर्जी दायर करते हैं और ये कहते हैं कि उनके मेडिकल चेकअप जो पूरा प्रबंधन किया गया है उसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को शामिल किया जाए। आपको बता दें, दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इटली के लिए रवाना हो चुके हैं। बकायदा वहां पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया, G7 समिट के लिए वो वहां पर शिरकत करेंगे। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। उनकी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लेकर के उनका यह कहना है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता उनकी वजह से नहीं है बल्कि भारत की वजह से उनकी लोकप्रियता है। भारत के बाहर तो प्रधानमंत्री को कोई जानता भी नहीं है। सुनिए आखिर सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि तीसरी दफा भारत के एनएसए अजीत डोवाल बनाए गए हैं। इसको लेकर के भी सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उनका यह कहना है कि किसको कौन विभाग देता है या फिर किसको कौन अपॉइंट करता है, ये उसकी सोच है, उसकी जिम्मेदारी है। सुनिए एनएसए की नियुक्ति पर क्या बोल रहे हैं सौरभ भारद्वाज। देखिए, हमारा सिद्धांतिक रूप से मानना ये है कि कोई भी सरकार चुन के आए और सरकार बन जाए, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इनको अपने सलाहकार चुनने का हक है। इनके कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेंगे उनका हक है, क्योंकि जिन पे उनका कॉन्फिडेंस है और जिन पे उनको लगता है कि ये काम करेंगे उनको उन्हें चुनना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर एतराज़ होना चाहिए। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ के जितने भी एडवाइज़र्स थे मंत्रियों के, सबको यहाँ के LG ने निकाल दिया। जितने हमारे कंसल्टेंट्स थे सबको निकाल दिया गया। हमारे जो OSDs थे उनको निकाल दिया गया या उनको सस्पेंड कर दिया गया, मगर हम फिर भी कहते हैं कि चुनी हुई सरकार को हक है इनको लेने का। देखिए, मेरा मानना है कि विदेश में भी प्रधानमंत्री जी की कोई छवि नहीं है। विदेश में मोदी जी की जो छवि है वो भारत की वजह से है। ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार था कि भारत की छवि प्रधानमंत्री की वजह से है। भारत की छवि जवाहरलाल नेहरू जी के समय में भी थी, राजीव गांधी जी के समय में भी थी, मनमोहन सिंह के समय में भी थी, नरसिंह राव के समय में भी थी। और भारत की छवि की वजह से प्रधानमंत्रियों की छवि है। भारत को अपमानित ना करें भारतीय जनता पार्टी वाले, देश ऊपर है, प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल से इस बिहाब पर जमानत लेकर के आए थे कि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की बारी आती है, तब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल काफी दिनों से बीमार है, उनका वजन अचानक से बहुत ज्यादा घट गया है, जिसको लेकर के उन्होंने बकायदा एक याचिका भी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। एक बार फिर से जेल में रहते हुए अब अरविंद केजरीवाल अपना मेडिकल चेकअप करवाने जा रहे हैं, क्योंकि बकायदा ईडी ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं, इसके लिए उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।